हेलो गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे, बहुत दिनों से सोच रहा था एमीवे के बारे में बात करने का, उनके गाने के बारे में, लेकिन हमने उनके कोई भी गाने पे रिएक्ट नहीं किया। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे मैं एमीवे के बारे में पता चला, लेकिन बिकॉज इफ यू गो बैक टू 6 months डाउन द लाइन, मेरे को पता नहीं था हु इज एमीवे। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन तब पता चला जब रफ्तार और एमीवे उनके बीच में रैप बैटल चला, तो फिर उनके वीडियोस बहुत ही वायरल होने लगे। देन उसके बाद एमीवे, कुछ यूट्यूबर्स एमीवे के वीडियो डाल रहे थे, मैं कुछ ओवरहर्ड ऑफ हिम, उनके रैपिंग, एंड इट वाज रियली नाइस। देन ये गाना आया एमीवे का, मचाएंगे गाना आया। सो वो गाना को मैं एक्चुअली 3-4-5 महीने से सुन रहा हूँ, बट देन फाइनली वी थॉट कि लेट्स डू ए वीडियो ऑन दिस, बिकॉज वी शुड अप्रिशिएट व्हाट वी हैव बीन लिसनिंग। एक्चुअली स्पॉटिफाई में आ गया, Gaana.com में आ गया, हर जगह एमीवे का गाना आ गया, एंड इट्स हिट ऑल अक्रॉस। एंड बोर भी नहीं होता, ऐसा होता ना कोई गाना आप कंटिन्यूअसली सुनो फिर बोर हो जाते हैं, एमीवे के गाने में ऐसा होता ही नहीं। और ये गाना ऐसा है कि आप मजा आएगा सुनने में, तो चलिए सुनते हैं गाना, देन आई विल टॉक अबाउट इट। गोवा में शूटिंग हुआ है। व्हाट इज अप, क्या बोल रहे सब लोग, एमीवे बनता है मालूम है ना, मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे, लेट्स डू इट। ए ए मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। खुश कर देता ये गाना है ना। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता, मैं डालूंगा डीएम फिर एम से पीएम, करे बात बात साथ साथ खाली घर रात रात रात, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के, ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे, मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है, ही बोलूंगा दिखती है माशाल्लाह चलती है, इसमें तो राय नहीं है क्या, मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। वो अपने मस्त मजे में हो गया। एक बोलते हैं ना कि मतलब गाना, या आप अगर वीडियो देखोगे तो इतना स्टाइलाइज करके नहीं, वही बोलने वाली थी, वही सोच रही थी कि लड़की होती, जैसे वो बोलते भी है लड़की होती है, गदारू होता है, कार्स होते हैं, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव जगह, एंड जो वीडियोस इतने एंगल से लेते हैं, मतलब एकदम मस्त तरीके से, इसमें कितना नॉर्मल है और देख गाना कितना हिट, 2-3 कैमरा एंगल, पूरा यू नो सिनेमैटिक लुक, स्लो मोशन, बहुत सारे चीज होता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्टेंट, वही आप क्या गाते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, अगर वो यू नो लग गया ऑडियंस को ठीक से, देन नथिंग एल्स मैटर्स, एंड दिस सच टाइप ऑफ सॉन्ग कि आप एक्चुअली गोवा गए हो,
then you can actually feel the song and even if आप गौर नहीं गए हो then still you song can feel the song. कर सकते and आप मैं इसको earphone लगा के इसको सुनता हूँ तो I feel like dancing to the you know to the rap. Yeah. और rap भी बहुत ही मजेदार rap बना है. And पहले ना वो जैसे English वाले rapping करते थे then उनके पापा ने बोला अगर popularity चाहिए इंडिया में तो हिंदी में rapping करो. तो वो भी एक है कि ऑडियंस के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हो और ऑडियंस जनरली यू नो 5% ऑफ द ऑडियंस जो कि एमिनियम से कनेक्ट करते हैं लेकिन वही एमिनियम को जो एमीवे फॉलो करते हैं एंड उसको हिंदी में उसी टाइप का एक कॉलोकियल बनाने का और यू नो लोकलाइज करने का उसका एक जो तरीका उनका है दैट्स रियली ऑसम. एंड उन्होंने एमिनेम को भी ट्रिब्यूट दिया उन पे गाना बनाया था और जो अभी उनका रिसेंटली है फ्री वर्स करके उसमें भी उन्होंने उनके बारे में बोला है एंड उसमें भी मस्त रैपिंग की पूरा फटाफट. फ्री वर्स वो भी रिसेंटली आया ना अभी तीन या चार हफ्ते पहले आया उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड सो आपको भी कैसा लगा ये गाना आप भी बताएं. हमें तो बहुत ही मजा आया और ऑब्वियसली लोगों को पसंद पक्का. मैं तो 120 मिलियन के आसपास YouTube हिट्स हो गए हैं ऑलरेडी एंड और लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं. मैं तो हर दिन वही गाना एक मेरे प्लेलिस्ट में रहता है सुनने के लिए एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग एंड आफ्टर दिस सॉन्ग लिसनिंग टू फ्यू ऑफ दिस सॉन्ग्स मैं एमईओ को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. एंड रफ्तार से उनको तो पहले जानते थे क्योंकि वो मूवी में काम कर रहे थे तो सो उनका ये सब हुआ लेकिन अभी ये पहला शायद ऐसा एमईओ का सॉन्ग होगा जिसमें उन्होंने अपना लिरिक्स के थ्रू अपना गुस्सा नहीं दिखाया है. ये एक एंजॉयमेंट वाला सॉन्ग है जो कि आप फुल मतलब पूरा एंजॉय करेंगे मचाएंगे पूरा. कैसा लगा आपको सुन बताइए कमेंट सेक्शन में और कुछ सजेशन दीजिए फॉर एनी अदर सॉन्ग्स. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम. बाय.